तो आज हम लोग देखेंगे मैथ क्लास बेसिक का अगला भाग, जिसमें हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या का निचोड़ आज हम लोग जानने वाले हैं, कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। चलिए आइए देखते हैं क्या होती है परिमेय संख्या। तो सबसे पहले परिमेय संख्या को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, इसका अगर अंग्रेजी नाम देखा जाए तो परिमेय संख्या को आर यानी रेशनल नंबर है, लेकिन इसे आर से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, क्योंकि आर से रिप्रेजेंट आपका रियल नंबर को किया जाता है। इसीलिए आर को ये परिमेय संख्या को आर से न रिप्रेजेंट करके इसे हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और परिमेय संख्या आपका क्या होती है, वे संख्याएं जो पी बाई क्यू, किसमें पी बाई क्यू बोले तो अंश बटा हर के रूप में हो, और पी और क्यू बिलोंग्स टू I, मतलब पी और क्यू का मान कहाँ सा होना चाहिए, I का होना चाहिए, तथा और हर में, ठीक है, हर में जीरो नहीं होना चाहिए, अर्थात Q does not equal जीरो। मतलब अब देखिए परिमेय संख्या अगर रियल क्या होता है, यानी Q इक्वल इसे Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और Q क्या होता है जो अंश बटा हर यानी P बाई क्यू के रूप में होता है, और P और Q का जो वैल्यू होना चाहिए कहाँ का होना चाहिए, I, I क्या होता है, पूर्णांक होता है, इंटीजर होता है, जो जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फोर के रूप में होता है वो इंटीजर कहलाता है, और हर में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए, इसका एग्जाम्पल तो जैसे एक बटा दो पी बाई क्यू के रूप में है यानी परिमेय संख्या है, 7/2 पी बाई क्यू के रूप में है यानी परिमेय संख्या है, 9, क्या आप 9 परिमेय संख्या है, हाँ जी हाँ 9 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे एक भी है। क्या 0 है, 0 परिमेय संख्या है, हाँ बिल्कुल है, इसके नीचे एक है। क्या 5/0 परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या आपका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया क्योंकि हर में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हर में जीरो हो गया तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगी, क्योंकि परिमेय संख्या का कंडीशन क्या है, हर में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आपसे अगर कोई पूछ देता है क्या 11/5 है, हाँ बिल्कुल है, 0/7 है, हाँ है, अंश में जीरो हो जाए, पी का मान जीरो हो जाए उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगा। और इसका एग्जांपल अगर देखा जाए, जैसे अगर कोई पूछता है कि 5.2 क्या परिमेय संख्या है, तो ध्यान दीजिएगा ये 5.2 फिलहाल में परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या का दशमलव रूप है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे इसके नीचे एक है, कहेंगे आप लोग ये इसके नीचे एक रख सकते हैं, तो p बाई क्यू के रूप में तो बन जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो p का मान कितना है, p का मान कितना है, p का मान 5.2, और p कहाँ का होना चाहिए, p कहाँ का होना चाहिए, i। अब i कैसा संख्या रखता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 दशमलव का संख्या नहीं रखता है, इसीलिए ये परिमेय संख्या के लिए वैलिड नहीं है, इसीलिए परिमेय संख्या अभी फिलहाल में नहीं है। जब इसको हम लोग 5.2 को एक परिमेय संख्या के रूप में दशमलव को हटा दिया जाए, यानी 10 से गुणा और 10 से भाग कर देंगे हम लोग, तो ये आपका कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 52/10, 52/10, और इसे हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2×2=4, 2×6=26/5, ये आपका आ जाएगा 26/5, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि p का मान 26 और q का मान 5, तो 26 और 5 i में होता है लेकिन दशमलव में नहीं होता है, इसीलिए ये परिमेय संख्या का 5.2 दशमलव रूप था, लेकिन रियल में परिमेय संख्या भी नहीं था। ये कब होगा, जब अंश बटा हर के रूप में होता है तब। अब कोई भी, अब देखिए 1.2 ये भी परिमेय संख्या फिलहाल में नहीं है, इसे हम लोग परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कहते हैं, इसलिए हम लोग इसको बाद में बनाएंगे, किससे, 10 से गुणा करके और 10 से भाग करके, जैसे भाग कर देंगे कितना हो जाएगा, 12/10 हो जाएगा, जब इसे काट देंगे तो 6/5 हो जाएगा। अब ये आपका परिमेय संख्या बन गया, बाकी की संख्या तो सब परिमेय संख्या है। अब आप ऐसे ही सेलेक्ट करके बता सकते हैं कौन परिमेय संख्या है और कौन परिमेय संख्या नहीं है। यह रहा आपका परिमेय संख्या का निचोड़। ओके, थैंक यू।